हमारे देश में एक पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में एक बड़ा काम किया था जिसके लिए मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर लगाकर एक सर्वे कराया था कि भारत में कितने लोग हैं जो दवा खरीद कर इलाज करा सकते हैं। तो पता चला कि पूरी आबादी का मात्र 33% लोग हैं जो सिर्फ दवा का खरीद कर इलाज करा सकते। 115 करोड़ की आबादी में सिर्फ 33% लोग इलाज करा सकते हैं, बाकी का सब भगवान भरोसे है। और क्यों भगवान भरोसे है? तब पहली बार एक सत्य उद्घाटित हुआ इस देश में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कारण वो सत्य पता चला देश को। 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 20 रुपए से कम है, इसलिए वो तो इलाज करा ही नहीं सकते। 50 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 10 रुपए से कम है, उनकी तो संभावना नहीं है दूर दूर तक। 25 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 5 रुपए से कम है, वो तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे इलाज कराने का, इतनी गरीबी। तो गरीबी बहुत ज्यादा, दवाएं बहुत महंगी, चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त, इन सब कारणों से हमारे देश में बड़ी बुरी दुर्दशा है। इस दुर्दशा का क्या समाधान है? तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसका एक रास्ता निकाला, क्योंकि हम भारत के लोग सारी दुनिया में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम एक विशेष सभ्यता हैं, यूनिक सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में। ये मैंने दुनिया की किसी दूसरी सभ्यता में ये नहीं पढ़ा और ये नहीं सुना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी सभ्यता में ये नहीं। भारत अकेला देश है जो सारी दुनिया में ये बात कहता है, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हों, किसी को कोई दुख ना हो। तो एक तरफ हमारी महान परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, और दूसरी तरफ इस देश की वर्तमान दुर्दशा चिकित्सा की, जिसमें किसी को इलाज कराने के लिए पैसा ही ना हो, तो दोनों का कैसे समन्वय करें? तो एक बीच का रास्ता निकाला स्वामी जी ने, वो ये कि भारत के हर व्यक्ति को खुद अपनी चिकित्सा करने के लिए तैयार किया जाए, और वो भी बिना किसी शुल्क के और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दुष्परिणाम के। वही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आप बोलेंगे जी क्या सरकार सबका उपाय नहीं कर पाएगी चिकित्सा का? एक बार मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को ये पूछा था कि भारत के सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए कितना समय लगेगा, तो सरकार के मंत्रालय से उत्तर आया कि भारत के सभी नागरिकों को सब तरह की चिकित्सा सुविधाएं देने में 350 साल लगेंगे। तो मेरे समझ में बात नहीं आई, मैंने दोबारा पूछा मंत्रालय को कि ये क्या मतलब है जो आपने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात सीधी सी ये है कि 63 साल आजादी के बाद हमने 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, तब जाकर 25 लाख डॉक्टर बने हैं, और 63 साल में हम 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो और 25 लाख डॉक्टर बनेंगे, फिर और 63 साल में और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो और 25 लाख चिकित्सक हो जाएंगे, तो 350 साल में कुल इतने चिकित्सक हो जाएंगे कि हर व्यक्ति का इलाज हो सके। लेकिन नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था बोल्ड लेटर्स में, उन्होंने कहा इसमें शर्त यह है कि अगले 350 साल तक एक भी बच्चा पैदा ना हो इस देश में। मतलब क्या है? मतलब यह है कि 350 साल तक देश की आबादी ना बढ़े, जिस गति में आज हम बढ़ रहे हैं ये रुक जाए पूरा, उसके बाद सरकार युद्ध स्तर पर लगे, तब 350 साल में सबका इलाज हो जाए। अब ये तो संभव है नहीं कि देश की आबादी ना बढ़े। अगर 350 साल हमारी आबादी नहीं बढ़ी तो बहुत बड़ा खतरा है इस देश की सभ्यता को। दुनिया में ऐसा तो कोई देश नहीं कर सकता। मैंने तो देखा यूरोप में कई देश हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे, वो तो रात दिन आबादी बढ़ाने का अभियान चला रहे। आपको सुनकर हैरानी होगी, सेंट्रल यूरोप के कई देशों में ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए इनाम मिलता।
हाँ, आपका एक बच्चा है और आप किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, दो हो जाएं तो आप सीधे सुपरिंटेंडेंट हो जाएंगे ऑफिस के, और तीन बच्चे हो गए तो सेक्शन ऑफिसर हो जाएं, चार हो गए तो पता चला डायरेक्टर हो गए उस ऑफिस के आप। जितने ज्यादा बच्चे उतना बड़ा प्रमोशन, और कैश इंसेंटिव अलग से, हजारों यूरो डॉलर में कैश इंसेंटिव देते हैं अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो आपके, क्योंकि उनकी आबादी स्थिर हो गई है, देश के खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया है, वो खतरा हम नहीं ले सकते इस देश में, एक भी बच्चे पैदा ना हो तो इसका मतलब है सरकार के भरोसे तो सबका इलाज हो नहीं पाएगा। तब एक ही रास्ता है कि लोगों को उनका इलाज करने के लिए प्रेरित किया जाए, और इस इलाज के लिए उनको कुछ ऐसी विद्या सिखाई जाए जिस विद्या का उपयोग करके वो अपने जीवन की बीमारियों को दूर कर लें, परिवार की बीमारियों को दूर कर लें, पड़ोसियों की बीमारियों को दूर कर लें। इसी विद्या का नाम है योग और प्राणायाम, और इसी अभियान का नाम है सर्वे भवन्तु सुखिने वाला, योग प्राणायाम का, जो परम पूजनीय स्वामी जी ने शुरू कर रखा है। एक ही दृष्टि है उसके पीछे कि सभी लोग स्वस्थ हों। परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं बीमारी से कोई ना मरे इस देश में, तो कैसे संभव है? हर व्यक्ति योग करे, प्राणायाम करे, बीमारियों को ठीक करे। इस योग और प्राणायाम की विद्या में ये ताकत है कि हर बीमारी को आप खुद से ठीक कर सकते। पिछले कई वर्षों में मैंने देखा कि हजारों लाखों लोग, अब तो करोड़ों में हैं वो, जिन्होंने अपने 20-20 साल के ब्लड प्रेशर को ठीक किया मात्र 3 महीने के प्राणायाम से। मैंने ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपनी शुगर को ठीक किया मात्र 2-2.5 महीने के प्राणायाम से। मैंने ऐसे लाखों लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपना माइग्रेन ठीक किया, दमा ठीक किया, अस्थमा ठीक किया, ब्रोंकियल अस्थमा ठीक किया, ट्यूबरकुलोसिस ठीक किया 2.5-3.4 महीने के प्राणायाम से। माताओं बहनों को मैंने देखा जिनकी गर्भाशय में 250-250 ग्राम की गांठ थी, ट्यूमर था, उन्होंने वो ट्यूमर गला दिया 6-7 महीने के प्राणायाम से। जिन माताओं के लिए डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था कि या तो आप ऑपरेशन कराओ, आपका यूट्रस हटा दो, नहीं तो मरने की तैयारी रखो, उन माताओं ने ऑपरेशन नहीं कराया, प्राणायाम किया, और आज उन डॉक्टरों को लिखना पड़ा कि अब आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ट्यूमर डिसॉल्व हो गया है, गल गया। मैंने देखा हजारों लोगों को जिनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है, जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है। ऐसा ब्रेन ट्यूमर जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हम इसको टच भी नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर के पैरालाइज्ड हो जाने की संभावना है अगर ऑपरेट करने के लिए हमने ये ब्रेन को खोला, ऐसे ट्यूमर को मैंने देखा 6-7 महीने में पूरा खत्म हुआ, गल गया। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को तो मैंने देखा है इतनी आसानी से ठीक हो रही है योग और प्राणायाम से कि डॉक्टर खुद हैरान है, परेशान है, और अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये तो कोई चमत्कार है। मैं पिछले एक वर्ष से हरिद्वार में रहता हूँ, जब खाली समय मिलता है तो बीमार मरीजों के रिकॉर्ड्स देखता रहता हूँ, और मैंने देखा है पिछले एक वर्ष में कैंसर के हजारों मरीज आए हरिद्वार और ठीक होकर वापस गए। ऐसे मरीजों को ठीक होते देखा जो टाटा इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट होके आए थे और उनके डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तो 15 दिन की जिंदगी है, घर जाके भगवान का भजन करो। वो 15 दिन की जिंदगी वाले भटकते हुए हरिद्वार पहुंच गए और अब जीवित हैं, साल भर से ज्यादा हो गया है, दूर दूर तक मरने की संभावना नहीं दिखती उनकी। इसका माने इस योग और प्राणायाम की विद्या में ताकत तो है, और भारत की हर उस विद्या में ताकत है जो हजारों साल पुरानी है। भारत में कोई विद्या तभी चलती है जब उसमें ताकत होती है, नहीं तो वो विद्या डूब जाती है। महर्षि पतंजलि के समय से चली आ रही ये विद्या अभी तक अक्षुण है, जीवित है। ये अलग बात है कि परम पूजनीय स्वामी जी ने इसको घर घर पहुंचाया, विद्या तो पुरानी है हजारों साल की। ये विद्या के जीवित रहने का ही मतलब है कि इसमें ताकत है। जो चीज में ताकत नहीं होती है वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहती है। सालों साल से ये विद्या चली आई है, और अंग्रेजों के गुलामी के समय में जब अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाई इस विद्या को खत्म करने की, तो भी ये विद्या जीवित रह गई।
इसका माने इसकी इनर स्ट्रेंथ कुछ है, और वो इनर स्ट्रेंथ को हम अगर पहचान लें तो हम भी हमारी सब बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं। हमें डॉक्टर मिले ना मिले, दवा खा पाए ना खा पाए, कोई भी कारण हो कि हम दवा नहीं खा सकते, एक कारण है कि हमको साइड इफेक्ट बहुत होते हो, दूसरा कारण है हमारे पास पैसे ना हो, तीसरा कोई और भी कारण हो सकता है। आप दवा खा पाए ना खा पाए, डॉक्टर आपको मिले ना मिले, सुविधा मिले ना मिले, आप किसी छोटे से स्थान पर बैठकर सांस को लेना और छोड़ना, जिसका एक सतत नियम है वो करना शुरू कर दीजिए, आप खुद चमत्कार देखेंगे अपनी बीमारियों को ठीक होते हुए, अपनी परेशानियों को ठीक होते हुए।